व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को अपनाता हूँ या आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने फार्म हाउस को, ठीक है, जिसका नाम है जैस्मीन फार्म हाउस। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फार्म हाउस में जो बर्ड्स या फैंसी जो मुर्गियाँ, मतलब जितने भी जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर इसका जो तरीक़ाकार है, इसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह इन्वायरमेंट में आप लोग रख के इससे आप लोग मतलब मज़ीद प्रॉफिट जो है ये आप कमा सकते हैं। आप लोगों के साथ अपने फार्म हाउस का एक छोटा सा क्लिप जो है ये शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक एक इसमें जो हमारे पास जो ब्रीड मौजूद है एक एक पे मैं आपको मज़ीद डिटेल से बताऊँगा। तो ये जस्ट आप लोगों को मैं अपना फार्म हाउस का एक छोटा सा व्यूज़ जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये फीजेंट के बारे में भी मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गोल्डन बफ, तो गोल्डन बफ के बारे में भी मैं आपको से बताऊंगा कि गोल्डन बफ में कितने किस्में हैं और इसके लिए इन्वायरमेंट वगैरह, ये एक बहुत प्रॉफिटेबल में आ रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊंगा, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो पीकॉक के चिक्स वगैरह थे हमारे फार्म में जो हमने ब्रीडिंग करवाया था इसका, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास वाइट सिल्की है। तो सिल्की में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने अकसाम हैं हमारे पास। अभी तो ये सिर्फ वाइट में पड़े हैं लेकिन इसके अलावा ये ब्लैक में भी आते हैं, ठीक है, मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप हमारे साथ रहिए। और ये है टर्की, तो टर्की में भी आपको मैं बताऊँगा कि इसमें ये वाइट कलर है और इसके अलावा ये ब्राउन है और ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो